वेलकम टू मुस्लिम किड्स। आज हम अपने नाना बू के घर, यहाँ पे हम नाना बू के किचन गार्डन में है। हम यहाँ पर देखते हैं क्या क्या है। ये बेटा कद्दू है, ठीक है? ठीक है, माशाल्लाह। ये लहसुन के पौधे, ये मूली, मूली, ये पालक, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मैं दूसरी साइड से देखती हूं। ये देखो मूली, कहाँ है मूली के पौधे? इनके जो लीव्स हैं उनकी आप देखें जरा, इनको गौर से, सबके डिफरेंट हैं। पाउना रखिएगा, देखिए मुझे इधर इधर। ये धनिया, ये धनिया, ये क्लोज करके देखें, धनिया की शक्ल वही है वो जो होती है हमारे घर में। इन्हें देखिए जरा कैसे उतार रहे हैं नाना वो। ये मेज क्या है? ये मक्की कॉर्न, कौन चली, कौन चली, ये अब नीचे देख के पाऊँ। इधर से ऐसे आ जाए, इधर आ जाओ, इधर हाँ, इधर से यहाँ से गुजर जाए ना। ये पालक के प्लांट का लिया, पालक खाने देखे, लीव्स डिफरेंट हैं पालक के और इसके रेडिश के और सबके। अल्लाह ताला की कुदरत है, देखे ये गाजर के पौधे, हर लीफ दूसरे से डिफरेंट है। ये गाजर का है, नीचे पांव का क्या रखना है? ये गाजर का। अम्मा ये देखो छल्ली उगड़ी है। हां जी, हां जी, हां खाना लगाना अभी। ये देखें, हां चलिया इनको क्लोज कर दे, ये इसको ज़ूम करें, दिखाएं जरा पांव का क्या रखे। पांव और देता, पांव और देता, पांव रखिएगा ध्यान से, जिधर देखें नाना वो राखे। ये है ना रेड रेड सा, इब्राहिम भाई को भी बुला के लाएं। क्या आज ये मेथी का प्लांट है। मेथी ये छोटे बच्चों को नहीं ना पता इनको। चलो देखने से माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं, केले भी कितने प्यारे लग रहे हैं। कद्दू कद्दू खुदी से आगे से आगे बढ़ी जा रही है और लगी जा रही है। ये वो आ जाते हैं कौन से? ये वाइट वाइट भी कद्दू है, इसको कद्दू के फूल है, इसको तो मैं उठा दूंगा। उसके फ्लावर बनता है, फ्लावर से पहले फ्लावर बनता है ना। ओ ना, इसको बताएं नाना भाई क्या है। और ये नीचे जमीन पे, नाना के जमीन पे, हाँ बेल, बेल के नीचे रखी हुई है नाना ने, ये कुदर ये मतलब कद्दू जो है वो नीचे ना लगे जमीन पे, मिट्टी पे, जमीन पे मिट्टी पे ना। ये देखिए ये क्या है, ये कद्दू ही है, इसकी बेल सारी खुद से गई हुई है आगे से आगे तक। फिर जो गाजर का कौन सा है, कैरेट के लीफ देखो कितने स्मॉल स्मॉल, बिल्कुल डिफरेंट है जैसे धनिया के। हरे लीव्स के ऊपर पाउना रखिएगा। अच्छा गाजर कोई उगी है? उगी है लेकिन नीचे बाद में लूट, बाद में बनते हैं ना, नीचे जड़ में बनते हैं। आप उधर जाए, इनको ये नहीं पता ना कि जमीन के अंदर होती है नीचे। इनके सामने आपने निकाल, ये क्या है? ये वेस्ट है, इसकी खाद बन जाती है। क्या खाद बन जाती है? यानी कि जो छिलके वगैरह है ना, जो इसको ताकत देती है ना। हाँ ये देखो, ये पेटू है सलाद वाली नहीं उतारनी है। ब्रेडिश किस चीज का? ये किस चीज का है? ये आम है। दोबारा से कर लें, दोबारा 10-15 दिन तक, 10-15 दिन तक। ये क्या है? ये मूली की शक्ल है, मूली देखो, ज्यादा ना मरोड़ना, फिर ये फील करता है कि मुझे ऐसे मरोड़ा गया। सच है, ये जानदार चीजें होती हैं, ये बिल्कुल जानदार की तरह होता है। ये देखो ये क्लोज, हां जी बेटे किया, हां चले जोरी प्रेम भाई और राफी भाई को मिलने का। मामा कह रही है आके रेडिश देख ले, नजर आ रही है उसके अंदर। ये मिर्च का पता है? ये मिर्च, इसके भी तो मम्मा जो मिर्च होती है, जो मिर्च होती है वो ऐसे फूल जाएगी। ये जामुन का पौधा, हाँ लगेगी उसके ऊपर, ये जामुन का पौधा, जामुन का मैंने पाउडर रखना। हमारे पास भी जामुन का पौधा है, अरे हाँ ये नॉर्मली का बेल होता है अपने पास में ज्यादा। हाँ आपके भी लगते हैं बहुत अच्छे, बड़ी होगी ना। कौन सी वाली? अभी निकलने वाली नहीं बनी अम्मा, ये देखो ये बड़ी हो गई है, निकल सकती है, निकल सकती है, ये देखो ये बड़ी हो गई है भाई। कटा, हां देखिए जरा कोशिश करें। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह अम्मा, देखने वाली चीज है, जाओ भाइयों को बुला लाओ देख लें। वो आती है मेरी बात सुनते, जाओ मुझे
मैं दिखा के आया अंदर। जो कहीं ऐसे कुआं के देख ले, ये सारी अब निकल जाएगी। देख ले रेडिश, ये देखिए जमीन के अंदर। निकाल लोगे ना अभी? निकाल ले। देख ले, आपको पता है ये मतलब कितने अरसे में होती? कुछ पता है इसकी इन्फॉर्मेशन? नहीं, अरसा की जाना तुझे मोटी करनी है, लेट कर लो। अच्छा अच्छा, अरसा कोई मसला नहीं, हुन बस हो गई है खान वाली। अच्छा और काट देना। मैं देख ले, आ गया वो इधर। अरे मैम नाउ वीडियो, आप ये मुझे कैमरा पकड़ा दें, आप निकाल के देखें जरा साथ। ऐसा ऐसा निकालिएगा, कई दफा टूट भी जाती थी अंदर आज। हाँ सही, यानी कि और बढ़ सकती थी ये। सही ठीक है, ये वो सलाद वाली है ना, इसका कलर कितना प्यारा है। ये भी मुझे पकड़ा दे। ये वैसे वो नहीं लग रही, चुकंदर जैसे होती है ना, मुझे मैं भी दिखाते आता हूँ। प्लांट के ऊपर ये गाजर नहीं है, ये वो है सलाद वाला होता है। सलाद वाली जो होती है कद्दू, इसके ऊपर वाइट वाइट सा क्या आया हुआ है? कौन सा? ये जो ऊपर ऊपर है वाइट। आ हाँ, इसके ऐसे ही होता है, नेचुरल होता है ये। नहीं कद्दू भी तोड़ लेते हैं, वो भी बड़े हो गए ना बेटा, वो खाने वाले नहीं है अभी। तो फिर नाना वो पहचान कैसे करते हैं कि कौन सा किस चीज का है? कौन सा किस चीज का पहचान कैसे करते हैं बेटा? पहचान वो आप मतलब आपने ज़हन में अम्मा ये मैं किचन में रखा हूँ। चलो मैंने ये मुझे पकड़ा, वो उठा के ले बेटा। हुई माशाल्लाह सुभानअल्लाह बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये और एक और बड़ा बड़ा मिल गया। वो देखो कितना बड़ा हो गया ये वाला तो। माशाल्लाह, निकाल ले निकाल ले। ये भी मैं अंदर दिखा गया, वो भी इतना बड़ा हो गया। भैया को देखते ही भैया कहेगा शोगी थी फुली जो एनिमल। अच्छा सीड के लिए इतना बड़ा चाहिए? ये बड़ा होता जाएगा तो पक जाएगा बस। अच्छा मशीन ले लेंगे उधर से और खाएं। हाँ। खाएं आप। ये अगर लगाना तो आप हमें एक लगा के दिखा दें कैसे लगाते हैं। कैसे? ऐसे नहीं लगना। ओ माशाल्लाह वो दे, ये जो कितने सारे एक साथ ही उतरे जा रहे। अरे इन्हें कल ले ले। अच्छा साइज भी अनलिमिटेड, इसको कल ले ले। अनलिमिटेड साइज। कोई बात नहीं, आप इधर से ना उधर चले जाएं। अब इसमें पौना रखना, ये लहसुन के पौधे हैं इसके अंदर। लहसुन के कौन से? कोई यार लहसुन दे यार। लहसुन वो ग्रीन लहसुन होता है, उसमें साग करके के लिए डाल दो। ये कद्दू मैं अंदर रख के आया। आ जाए उधर से, ये देखो। और अभी नहीं निकालना है, ये देखो अभी निकालना है। ये नहीं मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखो, अब मैं गोबर लिया पौना ना। हाँ जी खाद। खाद जिन्होंने कहते ना। हाँ जी खाल खाद बेटा, खाद जो ये जो ये जो काओ और उसकी होती है ना वेस्ट, काओ जो मैं क्या उसे कहते हैं जो वो खाता है, खाल खाता हो जाता, खाता हो पोटी करता है ना, पोटी करता है वो होती है वो। और खागे बड़े हो जाते हैं। हाँ खागे बड़े हो जाते हैं और पानी लेते हैं और सूरज की रोशनी। गुड वेरी गुड वेल्डन। और पानी चाहिए, पानी अभी नाना वो डालेंगे, हम दिखाएंगे वो देखें।
इधर से ऐसे करके एक रील बना लो ग्रीनरी की, ऐसे चलते चलते जैसे मैंने फिश भी बनाई थी। आज ध्यान से जब करें ना हैंड पकड़ लें। वो देखो यहाँ पे भी लग रहा है ये लोटस की। हाँ लेकिन अब ये बहुत छोटी है। आ देखो लसन, ये लसन है हमारी ग्रीन लसन जो साग में तड़के के लिए यूज होता है। साग लगाए हैं साग? ये साग का पत्ता है। पालक, पालक पड़ती है साग में। पालक फूल आ गया। हाँ जी बंद कर दे, आगे जाएगा ना, आगे भी चाहिए। अगर बारिश हो गई फिर पानी का ये देखो ऐसे इनको अच्छा ये रास्ता खोल दिया यहाँ से। हाँ ये देख रास्ता खोल दिया ना, आगे वाली लाइन में खुद ही पानी चाहिए जाएगा। हाँ अब सारा वहाँ तक चल जाएगा पानी। तो फिर वो वहाँ तक चल जाएगा, फिर वो वाली लाइन बन लोगी तो भी खोल दिया। अब कोई नहीं खोलनी, बस इसको सिर्फ बंद करना पानी इधर सारा निकल जाएगा। हाँ और ये भी पूछ लें कितने दिनों बाद सर्दियों में इनको पानी दे रहे हैं। देते हैं कितने सर्दियों में? 10-11 दिन बाद देते हैं। गर्मियों में? गर्मियों में तो जैसे कि हमने नाना बू का आज किचन गार्डन विज़िट किया है, तो हमें विज़िट करने में बहुत मज़ा आया। हमें नई नई बातें पता चली और नेचर के बारे में पता चला, और यहाँ हमें इतना खूबसूरत सा मंज़र था, और हमें नई नई बातें पता चली। और यहाँ पे बहुत सी वेजिटेबल अच्छी अच्छी हल्दी हल्दी से लगी हुई थी, और हमें बहुत मज़ा आया यहाँ पर। तो यहाँ पर हम वीडियो को एंड करते हैं, और फिर हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। और आज के दिन में हमें बहुत मज़ा आया नानो के घर, और ये मैंने एंड पे सारी वीडियो अटैच की हुई है इसके साथ, वहाँ की सब सारी जो जो हमने वहाँ पे किया, और बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छा किचन गार्डन बनाया हुआ था नाना बू ने, और नाना बू ने अपने घर के बाहर घर के साथ बनाया हुआ, और बहुत प्यारा था। और ये वहाँ पे मूलियाँ थी, कोरिएंडर थे, और ये वहाँ की पिक्चर, और ये है रेडिश। अल्लाह हाफिज़।